रफी साहब के दोनों बेटों के पैर छुए। क्या बात है। दोनों बेटों के पैर छुए, दोनों लड़के असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, अंकल हम आपके बेटे जैसे हैं। महेंद्र कपूर ने कहा, नहीं बेटा, आप मेरे गुरु के बेटे हो। गुरु का बेटा गुरु होता है। ये देखिए, आप महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस देखिएगा। जोरदार तालियां मोहम्मद रफी के लिए और जोरदार तालियां महेंद्र कपूर के लिए। एक समय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था, जब डुएट की बात होती थी, जब डुएट की कोई कल्पना होती थी कि डुएट है, कंपोजिशन होती थी, तो पहली चॉइस होती थी मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर। बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट ओपी नैयर, जिन्होंने लता मंगेशकर से कभी नहीं गवाया। पर न जाने क्या हुआ, किसकी नजर लगी कि रफी और लता ने साथ गाना बंद कर दिया। हुआ ये कि लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर सिंगर्स की एक यूनियन बनाना चाहती थी, जिससे संगीतकारों की तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिल सके। जब इस मुद्दे के ऊपर रफी साहब से उनकी बात हुई, तो रफी साहब ने अपना लॉजिक दिया कि हम जो गाना गाते हैं उसका पेमेंट हमें मिल जाता है। तो जो पेमेंट हमें मिल गया, उस गाने की रॉयल्टी की बात समझ में नहीं आती। ये एक बड़ा आइडियलिस्टिक एटीट्यूड था रफी साहब का। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि रफी साहब बिल्कुल ने गलत किया, या जो लता मंगेशकर रॉयल्टी की डिमांड कर रही थी वो गलत कर रही थी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। रफी साहब का लॉजिक ये था कि हमारा पेमेंट मिल गया है, हमको अब रॉयल्टी से क्या मतलब है। लेकिन लता मंगेशकर चाहती थी कि म्यूजिक डायरेक्टर्स को जो रॉयल्टी मिलती है वो रॉयल्टी हमको भी मिले। इस बात को लेकर लता रफी साहब से इतना रूट गई कि उन्होंने फैसला ले डाला कि वो अब मोहम्मद रफी के साथ काम ही नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई। रफी साहब ने कहा पेमेंट मिल जाता है, रॉयल्टी की जरूरत नहीं है, और लता मंगेशकर ने कहा रॉयल्टी चाहिए। तो दो जीनियस के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस हो गया कि दोनों ने एक साथ डुएट गाना ही बंद कर दिया। लता और रफी साथ नहीं गाएंगे, इस बात को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर धर्म संकट में पड़ गए। और फाइनली उन्होंने कहा कि हम लोग मोहम्मद रफी साहब को तो रख लेते हैं, और मोहम्मद रफी के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। ये कॉम्बिनेशन सामने बन के आया आशा भोसले के रूप में, और लता मंगेशकर को रिप्लेस करने की कोशिश की सुमन कल्याणपुर की आवाज से। आप में से कोई बता सकता है मोहम्मद रफी साहब के साथ इस दौर के वो गीत जो उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ गाए? एनीबडी? नजहुन आए बालमा सावन बीत जाए, आए सावन बीत जाए। हाँ, और